देवांश रैबिट देख के एक्साइटेड हो गया। देवांश क्या देवू ये रैबिट है? रैबिट है रानी खेत है ये, वो हिमालय त्रिशूल पर्वत है वो। ये देवांश, देवांश क्या कर रहे हो? देवांश क्या कर रहे हो? अब हम रानी खेत हैं, यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। अब हिमालय स्नो व्यू पॉइंट है, ये हिमालयन रेंज है सारी। इधर ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर है और ये त्रिशूल हिमालय है, इसके पीछे चाइना बॉर्डर है और इधर केदारनाथ बद्रीनाथ है और उसके बाद लेह लद्दाख और पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है। हमने ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम और अब हम जा रहे हैं आगे रानीखेत को एक्सप्लोर करने के लिए कि आगे यहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद हम जाएंगे कुसानी, जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, गाड़ी निकलने वाली है। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको अब हम आगे कहाँ जाएंगे। ये रानीखेत कैंट है, ये देखो ना, रानीखेत से कुसानी की तरफ जा रहे हैं हम। व्यू देखो आप, फोटो खिंचवा भाई। ये है बैजनाथ झील। हम आ चुके हैं बागेश्वर और हम जा रहे हैं अब बैजनाथ टेंपल देखने के लिए। ये है बैजनाथ टेंपल, हम अंदर जा रहे हैं अब दर्शन के लिए। काफी सारे टेंपल है इधर। ये मंदिर है, इसमें दर्शन करके आए हम। छोटे छोटे काफी सारे बने हुए हैं इधर मंदिर, एक रात में बने थे सारे मंदिर। और ये बैजनाथ झील है और ये देवांश मछलियों को दाना डालने जा रहा है। डालो परिंदी का मछली, तुमने देखी है मछली का इन्हें मछली गोल्डन के पास जाने आ गई। ले मत देख,
क्या है? विजय ने सारा खाना निपटा दिया। लंच देवांश व्यू देख रहा है। मेरा फोन भी चार्ज हो गया है। पानी पानी कौन है? बैजनाथ मंदिर। ये भोलेनाथ हर हर महादेव। टी गार्डन, चाय पत्ती, तोड़ के सुंगा मन। ये तेज पत्ता है, इसको तोड़ के सुंगा। केले, अच्छे केले वो लगे हुए। आ जाओ, बारिश आ गई। आ रहा हूँ। चाहे तो आप एक ले लो, लेकिन ऐसे मुझे तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। सनराइज हो चुका है और बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है। मौसम खराब है और सनसेट हो चुका है, इस वजह से सन नहीं दिख पा रहा है। विजय आया इन मुर्गों से मिलने के लिए। कोसानी का माल रोड, बंदर को देखो, पता नहीं क्या देख रहा है। ये वो बंदर देख रहा है। देवांश ने ब्रेड डाल दी बंदर को, भूखे हो रहे थे ये, और वो डर के भाग गया। ये है अनाशक्ति आश्रम। गांधी जी आए थे इधर, दांडी मार्च किया था उन्होंने इधर, और उन्होंने इसे मिनी स्विट्जरलैंड बताया था। वो हिमालय टेलीस्कोप व्यू दिखता है इधर से। वो देखो गांधी जी के तीन मंदिर, फिर गांधी जी, ये इनका आश्रम है, और वो देवांश एंट्री करते हुए। कोसानी से हम वापस आ चुके हैं रानीखेत, और ये है रानी झील।
ये है झूला देवी टेंपल रानीखेत में। देवांश उधर राम मंदिर है, अब हम वहां जाएंगे। राम मंदिर आ चुके हैं। देवू भी पैदल आ रहा है, देवू खुद चल के ऊपर चढ़ रहा है राम मंदिर के दर्शन के लिए। टीम करोली बाबा कैची धाम। कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन हम करके आ चुके हैं। मैंने ट्राई किया ये भीमताल फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।